इर्किन इश्तवाल, बर्फीले भूदृश्य में दो गुंबद। सिर्फ हमारी बटालियन को नहीं, वास्तव में पूरी दवीदोव का जगह के निवासियों को वहां मार्च करना था, पर इससे कुछ नहीं हुआ। हम लोगों में से सिर्फ कुछ जिनकी रीढ़ की हड्डी न थी, चापलूस, कमजोर, बीमार, मुंशी, स्टोरकीपर, इस तरह वे लोग ही आए थे जिनके पास कुछ बचाने लायक था और उनके न आने से वह छिन सकता था। हम लोग कुल मिलाकर 40 या 50 व्यक्ति थे, रूसी लोग इससे भी कम थे। सार्जेंट मेजर जिन लोगों को घर से बाहर निकालता, वे थोड़ी देर तक चौकी के आसपास मंडराते रहते और अवसर पाते ही वापस भाग जाते। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था मेजर होल्लो का अनुपस्थित होना, जो इससे पहले हर मृत्युदंड के समय उपस्थित रहते थे और बहुत ही सावधानी के साथ औपचारिकताओं का निरीक्षण करते थे। एक मिनट के लिए जब वे मुख्यालय से निकलते तो गिरजाघर के चबूतरे को घूम फिर कर देखते हुए कहते कि सर्दी बहुत है, और फिर दिखाई नहीं देते। दफ्तर की तरफ से डॉक्टर और सर्जन मेजर के अलावा सिर्फ एक जर्मन ट्रक चालक और एक जर्मन एनसीओ जिसके गले में कैमरा लटक रहा था वहां उपस्थित थे। ये दोनों अपराधी को दवीदोव का लाए थे क्योंकि यहां जर्मन सैनिक अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को लागू करना था। हाँ, और एचसतैश नाम का एक वैगन चालक भी वहां था जिसने 3 लीटर रम के लिए उस अपराधी औरत को फांसी पर लटकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। एचसतैश लगभग 1 लीटर पी चुका था जिसकी वजह से वह सीधा खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। औरत पेड़ के पीछे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद तक नहीं निकली थी। अब तक के अनुभव से हमने यही जाना था कि सबसे आसानी से बूढ़े लोग मरते हैं, यद्यपि वे घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर भी वे गिड़गिड़ाते हुए ना तो अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, न रोते हैं, न चीखते हैं। यह औरत जवान थी, दिखने में भी अच्छी थी, उसका पहनावा भी काफी अच्छा था। फिर भी उसने अपने बचाव के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। वह सिर्फ खड़ी थी और उस लड़की को देख रही थी जो ट्रक के नीचे घुसी हुई थी और वहां से चोरी छिपे बाहर की ओर देख रही थी। वह 4-5 साल की होगी। वह गंदी और दुबली पतली थी, पर फिर भी उसके कपड़े काफी अच्छे थे। एक छोटा रोईदार जैकेट, मोटा रजाईनुमा पैंट, मोटे ऊनी मोजे और उसके ऊपर गमबूट। जैसे ही जवान औरत की गर्दन में फंदा कसा गया, ट्रक के नीचे घुसी हुई वह खिलखिलाई जैसे किसी ने उसे गुदगुदा दिया हो। 3 मिनट के बाद बटालियन के डॉक्टर ने औरत को मृत घोषित किया। ठंडी हवा का झोंका आया और जवान औरत के शरीर को धीरे धीरे हिलाने लगा। लड़की ट्रक के नीचे से रेंग कर निकली। थोड़ी देर तक वह आगे पीछे हिलते हुए उसे देखती रही। उसके बाद जैसे खेल के मजे से छक कर वह पेड़ की ओर देखकर चिल्लाई, माँ। सभी रूसी चले गए थे और हमारे लोगों में से भी सिर्फ वैगन चालक एचसतैश मार्तोन, मेजर बीरो एलिंग, बटालियन का डॉक्टर फ्रीडरिक तिबोर और कारपोरल कोस्ता इश्तवान, जो युद्ध से पहले डेब्रेसेन के गोल्डन बुल होटल में बोर सेवक था और अपने फोड़ों का इलाज कराने के लिए मोर्चे के पीछे वाले अस्पताल में अपने तबादले के लिए अक्सर प्रार्थना किया करता था, वहां रह गए थे। अभी भी कोस्ता उस तरह खड़ा था कि डॉक्टर उसकी गर्दन के लाल फोड़े को देख ले, पर डॉक्टर फ्रीडरी ने दूसरी तरफ मुड़कर कैमरे के लेंस की ओर देखा। जर्मन एनसीओ अधिकारी ने लड़की को इशारा किया कि वह कैमरे के सामने से हटे, पर वह जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही और चमकीली अपलक फटी फटी आंखों से कैमरे की ओर घूरती रही। शायद उसने कैमरा पहले कभी नहीं देखा था।